नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने शादी कर ली है। स्वरा भास्कर ने पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सईद फहद अहमद के साथ कोर्ट मैरिज की है। सोशल मीडिया पर स्वरा ने एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी शादी की जानकारी दी। दोनों ने 6 जनवरी 2023 को कोर्ट मैरिज की थी। शादी की खबर सामने आने के बाद से स्वरा ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। अब सोशल मीडिया यूजर्स फहद अहमद के साथ शादी करने को लेकर स्वरा को ट्रोल कर रहे हैं। उन्हें स्वरा की शादी को लेकर लव जिहाद भी बताया है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स स्वरा भास्कर को शादी के लिए बधाई दे रहे, वहीं कुछ उन्हें ट्रोल कर रहे। एक यूजर ने स्वरा को ट्रोल करते हुए लिखा, धर्म बदलने के बाद अब आपका नया नाम क्या है? एक अन्य यूजर ने लिखा, आपसे कुछ खास उम्मीद नहीं थी। वहीं एक यूजर ने लिखा, आप जैसी लड़कियां इस देश के लिए गलत उदाहरण पेश कर रही है, आपकी एजुकेशन और फैमिली बैकग्राउंड देखकर दुख होता है। एक ने लिखा, यह पक्का सूटकेस में पैक हो जाएगी एक दिन। कुछ यूजर्स ने स्वरा भास्कर को धर्म बदलकर पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी, साथ ही कुछ यूजर्स ने उन्हें एंटी हिंदू तक बता दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए स्वरा ने अपनी और फहद की लव स्टोरी का खुलासा किया। वीडियो में बताया कि उनकी मुलाकात एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई थी। प्रोटेस्ट के दौरान दोनों ने पहली बार एक साथ सेल्फी ली थी। इसके बाद फहद ने उन्हें अपनी बहन की शादी में आमंत्रित किया, जिसके बाद वह दोनों गहरे दोस्त बन गए और इसके बाद से उनके बीच प्यार का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने 6 जनवरी 2023 को कोर्ट मैरिज कर ली। इस वीडियो को शेयर करते हुए स्वरा भास्कर ने कैप्शन में लिखा, कभी कभी आप किसी ऐसी चीज के लिए दूर दूर तक खोज करते जो आपके ठीक बगल में होती है। हम प्यार की तलाश में थे, लेकिन हमें पहले दोस्ती मिली और फिर हमने एक दूसरे को पाया। मेरे दिल में आपका स्वागत है फहद अहमद, थोड़ी अपराजक हूँ लेकिन तुम्हारी हूँ। इसी तरह के बॉलीवुड न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।